अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज आ चुके हैं हम एक न्यू व्लॉग के साथ। आज का कुछ काम है, काफ़ी काम है, बल्कि जा रहे हैं अपने इस बाइक को लेके, हमने इसकी जाके सर्विस करवानी है अडियाला रोड के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमने वो काम करना है, उससे पहले हमने देनी है एक और काम, बाबा ने हमें दिया हुआ है तो वो करते हैं। सबसे पहले अभी हमने जाना है चाबी देने के लिए शॉप जो है ना चेक करनी थी, तो एक प्रॉपर्टी डीलर चाबी मांग रहा था, तो आपने कहा था उसको की दे के जो ना आ जाना है। तो की देने के बाद हमने जाना है पैकेज करवाने के लिए। यार हर दूसरे दिन पैकेज हमारा ख़त्म हो जाता है, तो सबसे बड़ा मसला जो है ना ये होता है, बिकॉज वाईफाई तो लगा हुआ है लेकिन ये होता है कि अगर अपना पैकेज किया हुआ तो ज़रा अच्छी कहते हैं ना रिजनेबल रह जाता है। तो अभी सबसे पहले जाते हैं वहाँ पर उनको की दे के, उसके बाद जो हम जाते हैं पैकेज। अब हमने जाना है पैकेज लगवाने और उसके बाद हमने देने हैं अपने ग्लासेस बनवाने के लिए, क्योंकि टूट गए थे तो उनको बनवा के जो है ना फिर ये तो कोई नहीं हुआ, कॉज वो कह रहे थे कि ये ब्रोक हो गया है ना, बिल्कुल जॉइंट से टूटा है, तो इसलिए फिर ये तो नहीं हो सकता दोबारा ठीक। तो अब देखना पड़ेगा, न्यू बनवाने पड़ेंगे या फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा इसको। जी अब सारे काम तो कम्प्लीट हो चुके हैं, तो अब हमने निकलना है जी अंडा के शोरूम के लिए। अडियाला रोड के ऊपर है और मसला ये है कि मुझे इतना जो है ना उसका पता नहीं है कि एड्रेस क्या है, तो मैप साथ साथ देखना पड़ेगा। तो जनाबे अली रश तो आप देख ही सकते हैं कितना हो गया है, तो अब जाना तो है ही किसी ना किसी तरह। ये देखें यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, इसकी वजह से रश हुआ है, वरना यहाँ पे रश होता है। ब्लॉगिंग करना और दूसरे आपके साथ बाइक चलाना एक तो है भी खतरनाक और दूसरा है भी ये कानून के खिलाफ, तो इसलिए जितना कम हो सके मैं उतने कम। अभी भी काफ़ी सफ़र पड़ा है, गर्मी बहुत है यार। हाथ जो है ना मेरे इतनी केयर करता हूँ, लेकिन जब सूरज से गुजरना होता है ना, जब सूरज पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, रेस पड़ती है, तो मेरे हाथ फिर काले हो जाते हैं। बर्फ का जो बटन है वो भी इसका घुमा हुआ है। बाकी जब से बेचारा आया है तब से इसकी कोई ट्यूनिंग नहीं करवाई हुई, और साल डेढ़ साल होने वाले इसको लिए हुए। खैर चल रहे हैं अभी यही काम करवाने के लिए, तो उसके बाद आगे काफ़ी ज़्यादा प्लान है इंशाल्लाह, वो आपके साथ साथ बताते हैं। और जी यहाँ पे आ चुके हैं सामने पुल से जो है ना, अब हमने ऊपर होना है, वो जो सामने आपको पुल नज़र आ रहा है ना उससे ऊपर होके हमने जाना है। तो ना फिर देखते हैं, फॉलो अप करते हैं जी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, शिद्दत की हेलमेट पहना हुआ है तो ऊपर से और ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बस जी हम पहुँच चुके हैं मोड़ मोटा, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत फॉर उसकी है, बस आ चुके हैं। और जी बाइक तो दे दी है नीचे सर्विस करवाने के लिए, ऑयल वगैरह जो है वो ले के यहाँ से दे चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और शुगर सिंग वगैरह लगा हुआ था तो मुंह वगैरह धो दिया। तो अब सीन ये है कि हमें नीचे जाना, जाके चेक करना है। थोड़े थोड़े सीन में आप लोगों को वहाँ पे जो ना दिखा दूँगा, वहाँ पे बाइक की सर्विस करवा के फिर हम निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखते हैं फिर क्या सीन आगे बनता है। चलें बाइक की सर्विस करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं आप। बाइक का काम तो हो चुका है और अब हम फाइनली यहाँ से निकलने वाले हैं, और काम शाम सारा हो चुका है। मसला ये है कि बैटरी कम है, तो इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा मिल नहीं सकूँगा, घर जाके मिलेंगे, बिकॉज मुझे मैप भी चाहिए। तो अब चलते हैं घर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो अब घर जाके आप लोग मिलते हैं इंशाल्लाह। तो यार ये कुछ हैं, निकल चुके हैं हम। याद आया था एक बटन चाहिए था उसका, वो घूम गया था लेकिन वो नहीं मिला, वापस ये हूँ मैं। ये देखें जी इस्लामाबाद का माशाअल्लाह माहौल, शुक्र यार बारिश वाला सीन हुआ, बहुत गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो बारिश तो होनी। चलें घर घर